Hello everybody, this is Khushi Singla and you are watching on my CSP Institute channel. So okay, today we are going to look digital signal definition. Okay. Digital signal represent, finally we come to the definition of digital signal, and digital signal represent only finite number of discrete values. So what here ultimately finite means? Okay. Finite means here we are talking about certain number of bits, okay, or binary values that will be associated with a particular signal and its representation. Okay. तो डिजिटल सिग्नल क्या करता है? डिजिटल सिग्नल सिग्नल हमें रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ अ डिस्क्रीट वैल्यू. डिस्क्रीट वैल्यू का एक फाइनाइट नंबर, एंड फाइनाइट नंबर से हमारा क्या मतलब है कि सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स होंगी या वरना बाइनरी वैल्यूज होगी जो कि पर्टिकुलर सिग्नल या रिप्रेजेंटेशन से एसोसिएट करती हैं. लाइक मैं बोलती हूँ जीरो, तो जीरो को हम बाइनरी में कैसे दिखाते हैं? जीरो जीरो जीरो, लेट्स से हम ले रहे हैं थ्री बिट. ओके, वन जीरो जीरो वन, टू जीरो वन जीरो, थ्री जीरो वन वन, फोर वन जीरो जीरो, फाइव वन जीरो वन. तो कितने होंगे? अगर मैं थ्री बिट ले रही हूँ तो हम थ्री बिट से कितने नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे? टू की पावर थ्री. ओके, एंड टू की पावर थ्री कितना होता है? एट नंबर. इसका मतलब हम जीरो से लेके सेवन तक हम अपने थ्री बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेम ऐसे ही अगर मैं ले लेती हूँ फोर बिट नंबर, फोर बिट. ओके, तो अब मैं क्या ले रही हूँ? फोर बिट ले रही हूँ. अगर मैं फोर बिट लेती हूँ तो फोर बिट से मैं कितने अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करवा पाऊँगी? टू की पावर फोर. टू की पावर फोर कितना होता है? सिक्सटीन. इसका मतलब जीरो से फिफ्टीन नंबर तक मैं अपने चार बिट से रिप्रेजेंट करवा पाऊँगी. चार बिट कैसे होगा? जीरो 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 जीरो, जीरो 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 वन, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो जीरो. समझ में आया? इसे पूरा कर देती हूँ. ओके, क्या ये अच्छे से समझ में आया? ओके, अब जो ये बाइनरी वैल्यूज का जो ये ग्रुप होता है, या वरना हम इन्हें जिन्हें बिट्स बोलते हैं, हम इनका इनको यूज्ड करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिस्क्रीट लेवल्स को. ओके, पर लेकिन अगर मैं अब एक सिग्नल टर्म पे हूँ जो कि हम देखते आ रहे हैं कि सिग्नल क्या है, अगर मैं उस टर्म पे आऊँ सिग्नल, तो सिग्नल खुद एक डिस्क्रीट इन नेचर है. ओके, सिग्नल कैसी टर्म है? डिस्क्रीट है नेचर में. अब इसका मतलब समझ नहीं आया होगा, है ना? देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं छोटा सा. ओके, अब वो एग्जांपल क्या, मान लो एक एम्प्लॉय है, उससे एट द एंड ऑफ द मंथ उससे सैलरी मिल रही है. ठीक है, आप लोगों के किसी टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं. ओके, और ऐसी कोई भी चीज़ें वो क्या होती हैं? डिस्क्रीट इन नेचर होती हैं, राइट? पर लेकिन अगर मैं नेचुरल सिग्नल्स की बात करूं, नेचुरल सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं?
सिग्नल्स जो कि नेचर के द्वारा जनरेट किए जा रहे हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस इन नेचर होते हैं, कंटिन्यूअस इन नेचर। ओके, अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब ही ये है कि वो विद इन दैट लिमिट वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? तो समझ में आया, कंटिन्यूअस का हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास एक लिमिट है और विद इन लिमिट वो कोई भी वैल्यू उठा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। ओके, अब हमें अपने ये जो कंटिन्यूअस सिग्नल्स आए हैं, कंटिन्यूअस जो नेचर में सिग्नल्स आए हैं, अब उन्हें हमें एनालाइज और प्रोसेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे सिग्नल्स नेचर से आ रहे हैं। अब ऐसा तो उतना ही ना, नेचर हमें सारे सिग्नल्स भेज रहा है वो हमारे सारे ही काम क्यों? नहीं, हमें उन्हें एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इन नेचुरल सिग्नल्स को जो कि कंटिन्यूस की फॉर्म में हैं, इन्हें जब हम डिस्क्रिटाइज करते हैं, ओके, तो ये कंटिन्यूस सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डिस्क्रीट में, राइट? और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। समझ में आया? एक हमारी टर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, अब हमने वो कैसे करा? हमारे मोस्टली नेचुरल जो नेचुरल सिग्नल्स होते हैं वो कंटिन्यूस इन नेचर होते हैं। अब हमें हर एक सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमें उसे एनालाइज करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, जिसका मतलब हो गया हमें डिस्क्रिटाइज करना पड़ता है। जैसे ही हम डिस्क्रिटाइज करते हैं अपने कंटिन्यूस सिग्नल्स को, तो वो हमें क्या देते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल्स देते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। पर लेकिन अब तुम दोबारा कंटिन्यूस चाहते हो, लेट से तुम्हारे पास डिस्क्रीट है नहीं, बट अब तुम क्या चाहते हो? कंटिन्यूस सिग्नल्स चाहते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका रिवर्स करना पड़ेगा। एंड इसी प्रोसेस के रिवर्स को करने के लिए, रिवर्स को जब हम करते हैं उसे अब हम क्या कहते हैं? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। इसे बोलते हैं हम ADC एंड इसे हम बोलते हैं हम DAC। इतने में किसी को डाउट नहीं? ओके, तो ये था हमारा बेसिक आइडिया कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे हो रहा है, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या हो रहा है, डिजिटल सिग्नल हमारे क्या होते हैं। होप सो ये अच्छे से समझ आएगा और समझ आया होगा, क्योंकि ये आगे ये ही हमारा बेसिक है और आगे भी ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो यस, इतना हमारा डिस्कशन होने वाला है इसका। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। ओके, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।